उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मालसी डीआर पार्क स्थित देहरादून जू में 1 से 7 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ किया। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य समेत कई पार्कों में देश भर के 18 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, जिससे देश के छात्रों और युवाओं को पर्यटन से जोड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये युवा प्रदेश के पर्यटन और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने में उनके ब्रांड एम्बेसडर भी बनेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इस स्कीम के अंतर्गत 1,00,000 युवाओं को इको प्रिन्योर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वन्य जीव संघर्ष में अपनी जान गंवाने वाले वन्य कर्मिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जल्द नीति निर्धारण की भी बात कही। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जो वन्य जीव संरक्षण का ये सप्ताह आज शुरू हो रहा है और हमारे यहाँ उत्तराखंड में पहले से ही, चूँकि हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, वो वन्य जीवों के प्रति, संरक्षण के प्रति हमेशा से संवेदनशील रहा है और उत्तराखंड का स्थान इसमें हमारा पहले स्थान पर है। हम इसको और बढ़ाएंगे, इसमें और जितनी तरक्की होगी उसको करेंगे। हर दिशा में जो भी अनुसंधान होंगे, जो इस क्षेत्रों में और काम किया जाना होगा, वो काम हम लोग सभी को साथ मिलकर करेंगे।